नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल पांडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब के एक नए अपडेट जो कि है हर यूट्यूबर के लिए, चाहे वो नया हो या पुराना हो। अगर आपके चैनल पे बीते 12 महीने में अगर 4000 घंटे के वॉच टाइमिंग नहीं है आपके वीडियोस पे, टोटल वीडियोस पे, और 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपके लिए यूट्यूब पे पैसा कमाना हो सकता है मुश्किल, क्योंकि आपका जो मोनेटाइजेशन ऑप्शन है वो हो सकता है डिसेबल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप जो है अपने चैनल पे कैसे जो है 4000 घंटे के वॉच टाइम अर्न कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, और 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके वो बेल जो है उसे प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फाइनली वॉच टाइमिंग बढ़ाने के लिए क्या करिए आप, लीगली तरीका यह है कि आप अपने हर वीडियो में एक ट्रेलर जरूर डालिए, और वो भी ज़्यादा नहीं, 8 से 15 सेकंड के बीच का वो ट्रेलर हो और अपने हर वीडियो में डालिए। और आपको डालना कहाँ पे है, आप उसे शुरू में बिल्कुल भी ना डालिए। शुरू में आप वो बताइए जो आप अपने वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि किसी मूवी की अगर ट्रेलर आती है तो उसमें मेन मेन चीज़ें दिखाई जाती है, उसी तरीके से जब आप शुरू में इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपने वीडियोज़ में जो मेन चीज़ें हैं उनको आप बताइए लोगों से, ताकि लोग जो है आपकी वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करें। उसके बाद आप ट्रेलर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बहुत कम चांसेस होंगे व्यूवर को कि वो आपके ट्रेलर को स्किप करें, इससे जो है आपके वीडियो की जो वॉच टाइमिंग है वो बढ़ेगी। तो दोस्तों, दूसरा टिप ये है हमारा कि आप जो है यूट्यूब पे कैसी वीडियो डालें जो व्यूवर जो है वो पूरा देखे। यूट्यूब पे इतना कंपटीशन हो गया आज के डेट में कि अगर आप कोई टिप्स और ट्रिक्स डालते हैं तो तमाम एक वीडियो सर्च करेंगे आपको, आपको लाख 10 लाख वीडियो इस तरीके की मिल जाएंगी। तो इस केस में क्या है कि आप कैसी वीडियो डालें जो आपके व्यूवर जो हैं वो उस वीडियो को पूरा देखे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आप यूट्यूब पे अगर आते हो, अगर आपको वो सोल्यूशन मिलता है तो आप क्या करोगे, उस वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी को नेट बैंकिंग बनाना सिखा रहे हैं तो वो अगर वीडियो बनाते हैं और जब कोई सर्च करके आपकी वीडियो को देखेगा वही जिसको उस वीडियो की आवश्यकता होगी, जब वो सर्च करके देखेगा तो सिंपली बात है, अगर थोड़ी सी वीडियो अगर आपकी अच्छी लगी तो आपकी वीडियो को पूरा देखेगा। ऐसे में क्या होगा कि आपके वीडियो की जो है वॉच टाइम जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तीसरा टिप्स हमारा यह है कि अपने वीडियो की जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो कम रखिए। एग्जाम्पल के लिए 2.5 से 5 मिनट की वीडियो रखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम एक वीडियो पे कोई व्यूवर बहुत कम ही बिताता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग भी अगर कोई वीडियो देखते हैं जब व्यूवर, तो बहुत कम ही उतना टाइम बिताते हैं। तो इस तरीके की अगर आप वीडियो बनाते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने 2.5 मिनट की वीडियो बनाई, ठीक है, और कोई बंदा उसे 2 मिनट देखता है, तो ऐसे में क्या है कि उसका एवरेज जो व्यू है वो ज़्यादा होगा उस वीडियो का। इस केस में क्या है कि यूट्यूब जो है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करेगा, और जब वीडियो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट होगी तो जब ज़्यादा व्यू मिलेंगे तो वॉच टाइमिंग भी बढ़ेगा और आपके सब्सक्राइबर भी आपको मिलेंगे। अगर आप ये तीसरी टिप फॉलो करते हैं और जब यूट्यूब वीडियो को सजेस्ट करता है, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप सप्ताह भर में ही 1 लाख व्यू जो है अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब यूट्यूब वीडियो को सजेस्ट करना शुरू करता है तो बल्क मात्रा में आपको उस पर व्यू मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने वीडियो के वॉच टाइमिंग, यानी कि जो 4000 घंटे की जो वॉच टाइमिंग की लिमिट है उसे आप बढ़ा सकते हैं, यानी उसे हासिल कर सकते हैं, और 1000 सब्सक्राइबर भी आप अर्न कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।